हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी पाउडर के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर कुछ आप लोग लिखिएगा जो जिससे रिलेटेड आपको मैं अगली वीडियो दे सकूँ जो है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनरॉन एनर्जी पाउडर के बारे में। देखिए, मार्केट में दोस्तों क्या ना, बहुत सारे एनर्जी पाउडर हैं और उसमें से एक एनर्जी पाउडर एनरॉन है। जैसे आप जानते होंगे, एनर्जॉल भी है, इलेक्ट्रॉल भी है और ग्लूकॉन्डी भी आता है। तो क्या होता है, साल्ट कंपोजिशन जो इसमें होता है, थोड़ा सा साल्ट कंपोजिशन का अंतर होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कंटेंट कम होता है, ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ होते हैं। बहुत सारे MRP में भी अंतर होता है। अलग अलग एनर्जी पाउडर के जो MRP होते हैं उनमें बहुत लोगों का अंतर रहता है, क्योंकि उनमें जो कंटेंट कुछ में ज़्यादा रहते हैं, कुछ में कम रहते हैं। कंटेंट के हिसाब से जो है MRP को अप डाउन किया जाता है। तो दोस्तों, इसी में सबसे पहले बात करते हैं एनरॉन के बारे में। देखिए, एनर्जी पाउडर में बहुत लोगों में क्या होता है, जितने भी एनर्जी पाउडर हैं, फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर अलग अलग होता है इनमें। जैसे फ्लेवर से मैंगो फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, लेमन फ्लेवर हो गया, या कोई भी फ्लेवर अपने हिसाब से कंपनियाँ रख देती हैं। और दोस्तों, MRP भी सबकी अलग अलग होती है। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें साल्ट कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिस होता है, फैट होता है, शुगर होता है, सोडियम होता है, और ऐसे करके बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो साल्ट कंपोजिशन होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एनर्जी पाउडर आप यूज कर सकते हो, बट अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही एनर्जी पाउडर को यूज़ करिएगा, क्योंकि इसको बहुत लंबे समय तक भी नहीं यूज़ करना चाहिए किसी भी एनर्जी पाउडर को, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसी में एक एनरॉन एनर्जी पाउडर भी है, इसके बारे में बता दें आपको कि इसमें भी बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम है, शुगर है, फैट है, और इसका जो है फ्लेवर, ये जो फ्लेवर है इसका जो है ऑरेंज फ्लेवर में इसका टेस्ट है, और अलग अलग कैलोरीज में इसकी इसमें रहता है जो भी साल्ट कंपोजिशन है। और दोस्तों, यह जो है बहुत अच्छा एनर्जी पाउडर है, और किसी भी एनर्जी पाउडर का अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी बूस्ट करता है आपको। 10 से 15 या 20 मिनट में आपको लगने लगेगा कि हाँ, एनर्जी बूस्ट हो रही है, और एनर्जी आपको इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है एनर्जी पाउडर जो है। तो दोस्तों, किसी भी एनर्जी पाउडर को आप बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना है किसी को। यदि आप किसी एनर्जी पाउडर का उपयोग करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि एनर्जी पाउडर से लूज मोशन होता है, तो उसमें भी बहुत किया जाता है, एनर्जी पाउडर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कोई भी एनर्जी पाउडर अक्सर जो है हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है।